विश्व हिंदू महासंघ जिला इकाई की बैठक जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में 5 से 7 फरवरी को वाराणसी में होने वाले महासंघ के प्रादेशिक सम्मेलन के सफल आयोजन की रणनीति तैयार की गई। इसके संबंध में महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि विश्व हिंदू महासंघ का सम्मेलन वाराणसी के लहरतारा इलाके में किया जाएगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकत्रित कर पूरे विश्व में हिंदुओं के मान और सम्मान को बढ़ाना है। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महंत सुरेंद्रनाथ व अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने कहा, वाराणसी का जो हर वर्ष है उसके संदर्भ में जो हम लोग देना चाहते हैं संख्या में हम लोग अपनी उपस्थित बनावें, जिससे कि गरिमामय रूप से हम लोगों का कार्यक्रम सफल हो। महासंघ की बहुत ही गरिमापूर्ण रूप से एक बैठक सम्मेलन जो है किया गया है। का उद्देश्य मात्र यही है कि हम लोगों के विश्व हिंदू महासंघ का जो संगठन है ये पूरे विश्व में 36 देशों में कार्यरत है, और इस महासंघ का उद्देश्य है कहीं भी हिंदुओं का उत्पीड़न हो उससे हिंदुओं को बचाया जाए, उनको मान सम्मान के साथ पूरे विश्व में रहने का अवसर मिले, और पूरे मान सम्मान के साथ वो विश्व में हिंदुओं का विकास करते रहें। तो कब है सम्मेलन? यह उत्तर प्रदेश का त्रिदिवसीय सम्मेलन 5-6-7 फरवरी को कबीर जी के जन्मस्थली लहरतारा वाराणसी में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में कोई चीफ गेस्ट भी है? कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष महंत सुरेंद्र नाथ जी हैं, जो काली स्थान दिल्ली के महंत हैं, वो रहेंगे। अध्यक्षता श्री भिखारी प्रजापति जी करेंगे।